हरे कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवान ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय पराय परम पुरुषाय परमात्मने परक्रम मंत्र यंत्र तंत्र औषध अस्त्र शस्त्राणि संहर संहर मृत्योर्मोचय मोचय ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय दीप्ते ज्वाला परिदाय सर्वदिग्भूषण कराय ओम फट ब्रह्मणे परम ज्योतिषे स्वाहा। भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के इस पावन पर्व में इस समय में आप सबका स्वागत है। आज के इस खूबसूरत वातावरण में मेरा गाया हुआ गोपालों का समर्पण का भी शुरुआत हो रहा है, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। आज के इस समय हमारे सामने हरि प्रसाद जी, सुरेश वाडकर जी, शंकर महादेवन जी, सूरदास प्रभु जी, अनुमलुक जी और बहुत सारे कृष्ण के डिवोटीज यहाँ पर हैं। आप सबका भी यहाँ पर स्वागत है। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं बहुत हिम्मत जुटाकर ये गोपालों का समर्पण ये म्यूजिक एल्बम रिलीज करने की जरूरत की। बहुत ही सोचा था कि मैं करूं कि नहीं, इसकी कहानी जैसा मैंने कुछ बंगाली गाना गाया तो हुआ था कुछ साल पहले, उसको नारायण जी ने सुना और उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि आप भजन गाइए, तो विदाउट एनी हेजिटेशन आई इमीडिएटली एक्सेप्टेड इट। आई ऑलवेज लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी, एनी अपॉर्चुनिटी गिवन आई नेवर लेट इट गो, वेदर आई नो इट और नॉट, ठीक है मैं कर लेती हूँ। क्योंकि ये जो मौका है भगवान का दिया हुआ होता है, अपॉर्चुनिटीज डजंट जस्ट लाइक दैट कम्स विद सम मीनिंग इट कम्स, सो दैट इज हाउ दिस वॉज गिवन टू मी बाय नारायण जी। मैंने तो हाँ कह दिया, उसके बाद पता चला कि लेकर आए थे लिखकर और कहा कि ये हरिप्रसाद जी ने लिखा है, कंपोज किया है। शॉक, आई सेड व्हाट, हरिप्रसाद जी, पलना झूले नंद गोपाल। उसी वक्त मेरा छोटा सा मेरे घर में एक नंद गोपाल आने वाला था, माय सेकेंड डॉटर आहना दियो वाज एक्सपेक्टिंग ए बेबी, सो इट वाज वेरी एप्ट, एकदम उस समय के साथ मिला हुआ था। तो और मैं प्रैक्टिस कर रही थी इस गीत का और उन्हीं दिनों में बच्चा भी हुआ, सो दिस पर्टिकुलर सॉन्ग इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी फेवरेट फॉर मी। उसके बाद दूसरा जो लेकर आए उसके साथ साथ हरिप्रसाद जी का न राधा न मीरा हूँ मैं तो कृष्ण जीवानी हूँ, एक दूसरा गीत लाए थे, वो भी बहुत ही सुंदर। बट आई एम रियली थैंकफुल दैट ये सब गीत आप लोगों ने बहुत ही सिंपल सिंप्लीफाई करके मुझे दिया। देन टू सॉन्ग्स वर कंपोज्ड बाय पंडित जसराज जी, उनका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, वो जैसा गाते हैं वैसा दे दिया। मैंने बोला ये मैं नहीं गा सकती हूँ, मेक इट सिंपल अदरवाइज आई वॉन्ट बी एबल टू, सो अगेन ही ऑल्सो मेड इट सिंपल फॉर मी। एंड देन शिव कुमार जी का दो एंड पंडित राजन साजन मिश्रा जी का, सो आई एम रियली ब्लेस्ड कि ऐसे इतने बड़े बड़े लेजेंड्स उन्होंने कंपोज किया ये सब गाना और एक ही एल्बम में बस सब यहाँ पे प्रस्तुत हो रहा है। ऐसा कहते हैं ना कि भगवान श्री कृष्ण ही नोज हाउ टू टेक आउट वर्क फ्रॉम ईच एंड एवरी वन, तो मैं नृत्य ही कर रही थी भगवान के ऊपर, सो मेनी डांस वाले
अचानक ये मौका आया तो इसको भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो इसका इसका मतलब पीछे कुछ तो बात होगी कि अभी तुम गाना भी गाओ। और मुझे भी लगा कि मैं फिल्मों में एज एन आर्टिस्ट, फिर डांसर, कई रूप लेना पड़ता है, बीच बीच में राजनीति में, पार्लियामेंट में भी हूँ, फिर फिल्म डायरेक्ट भी किया, प्रोड्यूस भी किया, ये ग्रह के लिए गाने का, तो भी कोशिश करके मैं आप लोगों के लिए समर्पण करती हूँ, गोपाल को समर्पण करके आप लोगों के लिए। होप यू लाइक इट, whether you like it or not, but still it is an artist, ये मेरा एक भाव है भगवान कृष्ण के प्रति, तो ये उनके लिए समर्पित है। तो आप लोग सुनिए, अभी आज मुझे कहा गया कि एक गाना तो मुझे गाना पड़ेगा। I said no, I will sing. And I know it. But of course, गाना जो ओरिजिनल सब रिकॉर्डेड जो है उसमें काफ़ी करेक्शन वगैरह बहुत कुछ हो जाता है आजकल, सो एकदम अच्छा हो जाता। अभी जो मैं गाऊंगी पता नहीं कैसा है, फिर भी सुनिए आप। एक प्रकाश जी, ही हैज डन द एंटायर म्यूजिकल अरेंजमेंट एंड डिजाइन, ही हैज वर्क वेरी हार्ड। मुझे जितना रिहर्सल कराया बहुत परेशान भी हो जाते थे, बट फिर भी मैनेज कर लिया, सो आई रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। पंडित शिव कुमार जी, थैंक्स टू एवरीबॉडी, थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग हमारे इस म्यूजिक लॉन्च गोपाला को समर्पण में आए। आप सब प्रेस वालों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज ये एक मेरा एक नया एक जर्नी समझ लीजिए, क्योंकि ये पहले सोचा नहीं था कि मैं आई विल कम आउट विथ वन ऑल्बम, बट बिकॉज ऑफ नारायण अग्रवाल जी ने इतना इंस्पायर किया, इतना प्रोत्साहित किया और इतने अच्छे अच्छे गाने लिखकर लाए और इतने बड़े बड़े कलाकारों लेजेंड से उन्होंने म्यूजिक कंपोज करके लाया, तो आई हैव टू सिंग। आई सेड आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड डू इट। ना नहीं बोला, बिल्कुल ना बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, तो सारे गाने इतने अच्छे थे, लेकिन कभी कभी घबराती थी कि मैं गा सकूँगी कि नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत गा लिया है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, तो कृष्णा के लिए समर्पित है, तो सारा काम हम शायद घबरा जाएंगे, लेकिन भगवान जो है वो सब चीज़ को ठीक करवा देते हैं हमारे लिए, डिवोटीज़ के लिए। इस समय पे जन्माष्टमी के समय हुआ है एंड एक साल से रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्योंकि मैं भी बिज़ी रहती हूँ, कभी डांस शो, कभी घर का कुछ, देन पार्लियामेंट, इन सब बीच बीच में आके गाना सब रिकॉर्डिंग में भी टाइम हो जाता है, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू गिव टाइम कंटिन्यूसली, बिकॉज आई एम नॉट अ सिंगर लाइक रेगुलर सिंगर्स, एक साथ में सारा गाना गा लेंगे। मैम इस